तो यार और भाई लोग क्या हाल चाल है? आप देख रहे हो एरोप्लेन पे अपने नाम है, अभी से खौफ जमा रहे अपन पबजी लाइट पे। तो यार कैसे हो? आपसे भी ये एक पबजी गेम प्ले और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम प्ले यार, प्लीज़ देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ए भाई अरे ड्रेस ढक लिया यार, अंदर का दिख रहा है सब। ए भाई यार, ये पबजी वालों ने इंसान को लड़कियों की ड्रेस दे दी। चलो खैर छोड़ो, गेम प्ले का मजा लो यार। अभी मैं उतरा था मिलिट्री स्कूल के ऊपर और भाई साहब दो स्क्वाड उतरी थी मेरे साथ और मेरे छत के ऊपर एक अकेला बंदा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे फास्ट लैंडिंग भाई साहब। लेकिन भाई के ऊपर वेक्टर फायर कर कर भी भाई मरा नहीं, ठीक है? मतलब गोलियां मिस हो गई वो अलग से बात थी। तो भाई मैंने उसे इग्नोर कर दिया, वो नीचे कूद गया तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फटाक से लूटने में बिजी था मैं भी और वो भी। वैसे भाई मैप में छाप तो देखो बस। और भाई साहब फटाफट से लूट 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 और फिर मिल गई फेवरेट गन पेपी 19 ब्रिजोन। अब तो सोचा अब तो एक गया और वैसे भाई के दर्शन हो गए सामने। Surprise, motherfucker! भाई को मारा और भाई लूट रहे वे इतने बिजी थे कि मैं कब ऊपर से आ गया भाई को दिखा भी नहीं। खैर वो छोड़ो, उसे मारने के बाद यहाँ पर एक सामने बॉट आ गया, बॉट को मार दिया और फिर उसके बाद और एक बॉट आया भाई। मतलब कतई बॉट की भी बारिश हो रही थी इस मैप में, क्या पता मैंने सुबह से 3 बार गेम खेले तो बहुत सारे बॉट आ गए थे। तो भाई यहाँ पर और एक बॉट आ गया, मतलब करीब करीब मैंने इस बिल्डिंग पे इस फ्लोर पे 3 किल कर दिए और उनसे मुझे काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल गई, ठीक है? और सामने पड़ी थी AKM और M760, तो मैंने M760 उठा ली और QBU फेंक दी, ठीक है? फिर उसके बाद भाई सामने एक बंदा था, अभी आपने देखा भाई साहब लोमड़ी की तरह भागा है, कतई लोमड़ी की तरह। फिर उसके बाद मैंने उसे इग्नोर कर दिया, छोड़ा जान दो आगे तो जाकर मेरे पट्टे में आना है। फिर मैंने लूट लिया फटाक से क्योंकि भाई लूट इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले। फिर सब लूटने के बाद मैंने देखा सामने एक बंदा कूद रहा है घर से और भाई क्या फॉर्म में भाग रहा था, क्या फॉर्म में भाग रहा था भाई, कुछ ही देख भी ले आजू बाजू में, क्या संडास लगी है कि इतने जोर से भाग रहा है। खैर छोड़ो भाई, नॉक कर दिया, छोड़ दिया, शायद से कोई आ जाए तो मुझे और एक किल मिल जाए इस खेरत में, देखा लेकिन कोई नहीं आया भाई। तो फिर आखिर मेरे को उसे ख़त्म करना ही पड़ा। सोचा चलो अब जान दो बेचारे को, आ रहा है जाओ भाई साहब अब लॉबी में, रहा देखो मैं आ रहा हूँ। तो भाई उसके बाद उसे मारने के बाद लूट बीट लिया, फिर उससे भी मुझे मिल गई कार 98 और फिर कार 98 मिलकर मुझे एक बंदा दिख रहा था कि मैं एक बंदा इस नाली में घूम रहा था। तो फिर मैं उसका पीछा करते करते गया और मुझे वो दिख भी गया उस घर के पास, ठीक है? फिर आगे मैं और ऑब्जर्व करने गया और भाई साहब यहाँ गुफा में क्या कर रहे थे आप? और जैसे ही बाहर आया भाई को खेल दिया, क्या बॉट था क्या प्लेयर था पता नहीं, नाम तो अजय 18 यादव 4, क्या बड़ा नाम था यार, और बड़ा रख लेता थोड़ा सा, अपने माँ बाप भाई बहन सबके नाम रख लेता उसमें। खैर छोड़ो, वो सब होने के बाद मैं बाहर घूमने लगा कि और कोई है तो नहीं, लगभग सारे यहाँ पर साफ हो गए थे। तो अभी अंदर तो नहीं था, बाहर से आवाज़ आ रही थी लेकिन भाई ये सब बहुत क्या कर रहे थे क्या पता। यहाँ पर भाई को कैसे तो भी करके मार दिया और जो बचा कुचा था लूट लिया, ठीक है? नोप, क्या लग रही भी नहीं यार गोली। खैर छोड़ो, उसके बाद मैं यहाँ छत पर आया देखने के लिए, थोड़ा सा मुनाइजे ले लिया लेकिन भाई 2x था तो कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे मुझे वहाँ पर एक प्लेयर दिख गया, ठीक है भाई साहब, भाई बहुत गड़बड़ी में भाग रहे थे और शॉट मिस कर गए यार, M24 का शॉट मिस कर गए। खैर छोड़ो, उनको तो आना ही था सामने जाकर और भाई साहब सामने जाकर हमारे पल्ले पड़े। लेकिन भाई पीछे से भी कुछ बॉट फायर करा था लेकिन मैंने सोचा पहले उसे मार दूँ, वैसे ये भी प्लेयर था कि बॉट था उसे ही पता, मेरे को लग रहा था प्लेयर था क्योंकि उसने पीक करके रखा था लेकिन भाई फायर करने का टाइम नहीं मिला शायद से। खैर छोड़ो, उसको वहाँ से वहाँ पे ख़त्म कर दिया और उससे मुझे मिल गया 6x, मतलब सोच रहे हो M24+6S। सामने बॉट खड़ा था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, बोला पहले 6S तो लगा ले। फिर बाद में भाई 6S का दे रेटा मारा है ना उस बॉट को मैंने, शॉट देखो बस कतई मक्खन शॉट बैठा उसको, हेड हेड देखो हेड शॉट। ओ भाई साहब का भाई, और भाई मैप में प्लेयर तो देखो, ओ भाई साहब ये दो बंदे क्या पता छत पे क्या कर रहे थे भाई, आजू बाजू देख लो इतने बिजी। ये लो भाई ओपन में उसे रिवाइव दे रहा है और ये शॉट तो मुझे पता ही नहीं भाई कैसे मिस हुआ भाई साहब, तो कतई मतलब जहर ऐसा मन कर रहा था कि छोड़ दो M24 टाइपिंग भाई, हेड शॉट कैसे क्या नहीं लगा। खैर वो छोड़ो, उससे मारने के बाद फिर मुझे बाहर से फायर आ रहा था बॉट्स का और भाई जोन में काटने वाला था, ये बात मैंने देखी नहीं और वो बहुत बाद में पता चला कि यार पीछे जोन में आ रहा है, ठीक है? लेकिन मैं उस भाई साहब की राह देख रहा था और उस भाई साहब ने फिर से बाहर आके दर्शन दिए और फिर से भाई ये शूटर जाट
नाम तो शूटर रखा है लेकिन भाई ढंग के शूटिंग नहीं कर रहा है बाहर जाकर, कहते बाहर आके दूसरों को चांस दे रहा है। और ये भाई सब बॉट कहाँ से आ रहे थे क्या पता, और भाई बहुत जल्दबाजी में थे शायद से बॉट भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मिस कर बेटे ये शॉट। लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ था क्योंकि वो जो दो प्लेयर थे भाई वो भी अभी जोन पे जाना बाकी थे, वो भी जोन पे आने वाले थे। अब बस देखिए इनको कैसा रट्टे दिए मैंने। और भाई मैं एनजेडिंग ले ही रहा था कि तभी ओ हो भाई साहब बालकनी में क्या कर रहे थे, और खाली आ रहा था भाई, हेल्थ भी नहीं थी उस बंदे ने शायद से, और मारा गया। लेकिन भाई इसका साथ Why are तो you देखो running? एक बार, Nope. Enemy. ओ भाई कतई जहर अपने टीममेट को छोड़ने Nope. चला गया, और दो M4 Enemy. खाने के बाद भी नॉक नहीं हुआ भाई। लोहे का बना है, कतई लोहे का, कसम से काफी सही, क्या बात है। एक साथी जिसके पास 0 HP हेल्थ, और एक साथी जिसके पास तो भाई कतई इतनी हेल्थ कि 2 M4 खाने के बाद भी जोन के बाहर जिंदा है, ठीक है। लेकिन हमको तो वो चाहिए था क्योंकि 10 को कम थे 1 किल और हमको करने थे 10 किल, तो भाई कुछ भी करके तो मैं उसे छोड़ नहीं देने वाला था। तो कतई मैंने फटाफट से पीछा किया भाई सबका, और आगे देख लो क्या वजह हुआ है। तो भाई फिर भी बच गया, काफ़ी आखिर तक बच गया, जोन पे जाते जाते बच गया भाई। पानी में तैर रहा था, कब बाहर Why are निकलता you पता running? नहीं चला। और मैं वहाँ पर वहाँ तक आया तब तक तो भाई कहाँ क्या कहाँ पहुँच गया भाई। मुझे पानी भी क्रॉस करना था, हेल्थ भी डाउन थी, लेकिन अभी एक बार इंजेक्शन मार लिया तो फिर टेंशन नहीं होता है कभी। तो भाई कैसे तो भी करके फटाफट से पानी से तैर रहा था। ये भाई भी इतना टाइम पास कर रहा था कि क्या बताऊँ। ये भाई तेरा अंदर का सामान ढका कर यार, ऐसे लोगों का मन दिखाया कर, नॉनसेंस यार, खैर छोड़ो। भाई फटाफट से मैं ट्रैवल करके पानी के उस पार आ गया, और मैं बस उस बंदे को देखना था वो बंदा गया कहाँ पर है। और जैसे जोन के पास आ रहा था मुझे ऐसे मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि सामने कोई तो मेरा इंतज़ार कर रहा है, ऐसा लग तो रहा था भाई। इसलिए मैं थोड़ा घूम फिर के जा रहा था, थोड़ी छलांग मार मार कर, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का मज़ा लेकर जा रहा था आगे। और भाई क्या बताऊँ, बस 5 बंदे जिंदा थे और मेरी 10 किल हो नहीं रही थी, साला एक बंदा छूट गया हाथ से। लेकिन भाई तभी ये मुझे दिख गए, ये भाई घूम के जा रहे थे घर के अंदर, और ये शायद से वही बंदा था जो मैंने पीछे बिस बिस किया था, शायद से ये वही था भाई। जोन पे गया, घर में घुस गया, एक शॉट मिस हो गया M4 का, फिर छोड़, फिर ख्याल आया चलो अब इस भाई सब को 90 पर जोन से ही मारते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई 10 किल तो कर दी थी। तो भाई देखो ना कितना बिजी है लूटने में, किसान मैं आ गया क्योंकि भाई साहब कह रहे भाई, ओ भाई कितने लूट रहे हो यार। पिल्लू 007 बेटा माँ के पास जाकर दूध पियो, पिल्लू जाओ। और भाई उसी वक्त फिर सब हो गया, 10 किल हो गए थे, अब तो कोई टेंशन नहीं था, मर भी गए तो क्या सच पे मर जाना यार। अब ये मैच देखो आगे, सच पे मर गया कहते। मैं घूम फिर के सब मैप में ढूंढा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आया, हाइट अटोटे भाई एक नॉक हुआ, बंदा दिख गया, फ्री के किल किसे में डाल दी, खेल खत्म। 11 किल भाई बहुत थे, अभी अगर मर भी जाओ तो कोई इतना गम नहीं था, लेकिन भाई अंदर एक हार्ट आ रही थी कि चल जीत जाएंगे तीनों तो बंदे। लेकिन भाई क्या पता था कि वो तीनों की तीनों टीम निकलेंगी। अब बस आखिर के 2-3 शॉट देखो यार, मतलब लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ये तो सीख मिल गई भाई अब मुझे। अब बस मैच देखो यार आखिर का शॉट, तो भाई मैं प्लेयर ढूंढे ढूंढे मतलब कति थक गया था, लेकिन मुझे एक प्लेयर दिखने को तैयार नहीं था। मैं मतलब बहुत ढूंढा, फिर आखिर नीचे आया, और भी क्या पता भगवान ने कहाँ से ये ड्रॉप प्रकट कर दिया। और जैसे ही लूटने गया भाई साहब, हेल्थ देखो, हेल्थ देख रहे हो मेरी, और मैं जब हेल्थ मारने गया तो क्या पता ये भाई साहब थोड़े सेकंड से ही अपने आप हेल्थ छोड़ देते थे, क्या पता क्यों। 2 बार हुआ ऐसे ही, देखो फिर से हेल्थ छोड़ दी, तो ये इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत। लेकिन भाई बंदा बंदा भी था तो फिर बंदे को ही मारना था, तब तक तो बंदा मेरे बहुत पास पहुंच गया था शायद से, उसने नेड भी किया था एक, और यहाँ पर एक ग्लिच नानी भी था। खैर वो अलग की बात है, तभी भाई बाजू से पलटे लगी भाई, हेल्थ भी मार दे दिया और खेल हल्ला, बेचारे ने 2 गोलियों भी मार दिया, क्या कर सकते हैं, सैड लाइफ।